नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताजा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। 30 सितंबर को 2 वर्ष का अनुबंध सेवाकाल पूरा करने वाले कर्मी होंगे नियमित। जी, हिमाचल शिक्षा विभाग ने 30 सितंबर को 2 वर्ष का अनुबंध सेवाकाल पूरा करने वाले कर्मचारियों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बता दें कि शिक्षा निदेशालय ने विभिन्न श्रेणियों के ऐसे कर्मचारियों का रिकॉर्ड एकत्र करना शुरू कर दिया है। वहीं प्रदेश सरकार की ओर से वर्ष में 2 बार 31 मार्च और 30 सितंबर को 2 वर्ष का अनुबंध सेवाकाल पूरा करने वाले कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाता है। इसी कड़ी में शिक्षा विभाग ने नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हिमाचल हाईकोर्ट ने जेबीटी टेट पर लगाई रोक हटाई, पुनर्विचार याचिका की सुनवाई 18 सितंबर को निर्धारित। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जेबीटी टेट के लिए हरी झंडी दे दी है। न्यायाधीश तरलोकिन चौहान और न्यायाधीश सत्येंद्र वेद की खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जेबीटी टेट पर लगाई गई रोक को हटा दिया है। बीएड डिग्री धारक और जेबीटी मामले में सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद अदालत ने पुनर्विचार याचिका की सुनवाई 18 सितंबर को निर्धारित की है। गौर हो कि याचिकाकर्ता ने हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड की 5 नवंबर को जारी अधिसूचना को चुनौती दी है। वहीं बोर्ड ने बीए डिग्री धारक को जेबीटी टेट के लिए योग्य करार दिया था। अदालत के समक्ष दलील दी गई थी कि एनसीटीई की जिस अधिसूचना के तहत बीए डिग्री धारकों को जेबीटी टेट के लिए योग्य माना गया है उसे राजस्थान हाईकोर्ट रद्द कर चुका है। उसके बाद 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई की उस अधिसूचना को अवैध करार दिया था जिसके तहत बीए डिग्री धारकों को जेबीटी टेट के लिए योग्य किया गया था। 9 पेंशन 9 एरियर की किस्त मिली, एचआरसी पेंशनर्स परेशान, सीएम की घोषणा के बाद भी राहत नहीं। जी हां, एचआरसी से सेवानिवृत्त हुए हजारों पेंशनरों को न तो समय पर पेंशन आ रही है न ही उन्हें अभी तक एरियर की किस्त मिली है। परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच के प्रदेशाध्यक्ष बलराम पुरी ने कहा कि एचआरसी से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी यानी पेंशनरों को उम्मीदें पर सरकार ने पानी फेर दिया है। वहीं बार बार मुख्यमंत्री से मिलने के बाद भी पेंशनरों को नए वेतनमान के तहत एरियर की 50,000 रुपये की किस्त जारी नहीं हुई है। वहीं अन्य वित्तीय लाभ भी पेंशनरों को नहीं मिल रहे हैं। वह सरकार की इस बेरुखी से पेंशनरों में सरकार के प्रति रोष बढ़ता जा रहा है। एसएमसी शिक्षकों ने सरकार को 30 सितंबर तक नियमित नीति लाने का दिया अल्टीमेटम। जो हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में एसएमसी के माध्यम से नियुक्त 2555 शिक्षकों ने 30 सितंबर तक उन्हें नियमित नीति में लाने का अल्टीमेटम दिया है। ऐसा नहीं होने पर शिक्षकों ने 2 अक्टूबर से परिवार सहित सत्याग्रह आंदोलन और पेन डाउन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। वह शिक्षकों का आरोप है कि वर्ष 2012 से दूर दराज के स्कूलों में लगातार सेवाएं देने के बावजूद शोषण हो रहा है। वहीं एसएमसी शिक्षकों ने पीटीए, पेट, पैरा और उर्दू पंजाबी आधार पर लगे शिक्षकों की तर्ज पर नियमित नीति मांगी है। हिमाचल में सख्ती से लागू होंगे भवन निर्माण के नियम, कटेंगे बिजली और पानी के कनेक्शन। जो हिमाचल प्रदेश अवैध निर्माण करने पर कानूनी कार्रवाई, मूलभूत सुविधाएं छीने जाना, मौके पर अवैध निर्माण तोड़ने पर पुलिस का सहयोग आदि शामिल किया जा रहा है। वह हिमाचल में प्राकृतिक आपदा के चलते 2552 कच्चे और पक्के मकान ढह गए हैं जबकि 10,920 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। इससे सबक लेते हुए सरकार ने निर्माण कार्य के नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए कहा है। वहीं अवैध भवन निर्माण की जाँच के लिए टास्क फोर्स गठित होगी जो मौके पर निरीक्षण करती रहेगी। वहीं आगामी कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को लाया जा रहा है। हालांकि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की ओर से अवैध निर्माण करने वाले भवन मालिकों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। वहीं अवैध निर्माण न हटाया तो बिजली और पानी के कनेक्शन भी काटे जा सकते हैं। 3,000 उपभोक्ताओं को नवंबर से 24 घंटे मिलेगा पीने का पानी। जो शिमला शहरवासियों के लिए राहत भरी खबर है। राजधानी में 24 घंटे पीने का पानी देने की सतलुज पेयजल योजना आखिरकार धरातल पर उतरने जा रही है। वही संजौली जोन के 5 वार्डों में इसी साल 24 घंटे पानी मिलना शुरू हो जाएगा। संजौली चौक, इंजन घर, सांगटी, शांति विहार और मलियाना वार्ड के करीब 3,000 पेयजल उपभोक्ताओं को नवंबर से नियमित पानी देने की तैयारी है। वही कंपनी के अनुसार इन उपभोक्ताओं को नई पेयजल लाइनों से जोड़ने का काम पूरा कर दिया गया है। इन्हें संजौली क्षेत्र के कॉर्नर हाउस के पास बने जल भंडारण टैंक से पानी की आपूर्ति दी जाएगी। ओपीएस के लिए शुरू हुई रथ यात्रा बिलासपुर पहुंची, पदाधिकारियों ने आगामी रणनीति पर की चर्चा। जी, ओपीएस के लिए उत्तर भारत में शुरू हुई रथ यात्रा मंगलवार को बिलासपुर पहुंची। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल ने कहा कि यदि 27 अक्टूबर तक केंद्र सरकार पुरानी पेंशन बहाल नहीं करेगी तो सभी कर्मचारी मिलकर भारत बंद करेंगे, इसके लिए सरकार जिम्मेवारी होगी। उन्होंने कहा कि शिक्षक संघ कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है। वह जो इस लड़ाई में उनका साथ देगा चुनाव वह उसका समर्थन करेंगे। देश भर में 4 यात्राएं शुरू की गई है।
मेधावी छात्र सम्मान समारोह 15 सितंबर को 260 टॉपरों को नवाजेंगे सीएम सुक्कू। हिमाचल प्रदेश का नवंबर 1 अखबार अमर उजाला प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के शैक्षणिक सत्र 2022-23 के 10वीं और 12वीं कक्षा के मेधावियों को सम्मानित करेगा। वही टॉप 10 मेरिट सूची में स्थान पाने वाले 260 होनहारों को 15 सितंबर को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू शिमला के राज अतिथि गृह पीटर हॉफ में सम्मानित करेंगे। बता दें कि सुबह 10 बजे से समारोह शुरू होगा। हर वर्ष की भांति इस साल भी अमर उजाला प्रदेश के होनहारों को सम्मानित करने की परंपरा का निर्वहन करते हुए मेधावी छात्र सम्मान समारोह 2023 का आयोजन करने जा रहा है। किन्नौर की मीनाक्षी ने अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में जीता गोल्ड। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर सांगला की बॉक्सर मीनाक्षी ने अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन कर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। वहीं बोस्निया में आयोजित प्रतियोगिता में मीनाक्षी को सर्वश्रेष्ठ तकनीक महिला बॉक्सर के खिताब से भी नवाजा गया है। वहीं 4 से 11 सितंबर तक हुई प्रतियोगिता में सांगला की मीनाक्षी ने देश का प्रतिनिधित्व किया। चंडीगढ़ नेशनल हाईवे 5 रखरखाव के लिए 4 घंटे रहेगा बंद, पुलिस ने वैकल्पिक मार्ग अपनाने की दी सलाह। जे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सूचित किया है कि शिमला चंडीगढ़ नेशनल हाईवे 5 पर परमाणु के पास स्लाइडिंग जोन चक्की मोड़ में सड़क के रखरखाव के लिए 12 सितंबर रात 11 बजे से दिनांक 13 सितंबर सुबह 3 बजे तक वाहनों की आवाजाही के लिए सड़क पूरी तरह से बंद रहेगी। वहीं शिमला पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि बहुत आवश्यक होने पर ही रत्न यात्रा करें, इस अवधि के दौरान वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिरमौर के युवाओं के लिए सुनहरा मौका, ब्लू स्टार कंपनी में निकली बम्पर भर्ती, इस दिन होगा कैंपस इंटरव्यू। जे जिला रोजगार विभाग सिरमौर के युवाओं के लिए सुनहरा मौका लाया है। वह सिरमौर के नहान में स्थित ब्लू स्टार कंपनी में विभिन्न पदों पर भर्ती निकली है। भर्ती के लिए 21 सितंबर को कैंपस इंटरव्यू होगा। वहीं बता दें कि अभ्यर्थी अपने साथ 2 पासपोर्ट साइज फोटो व मूल प्रमाण पत्र के साथ अनुभव प्रमाण पत्र भी साथ लेकर आए। वह चयनित अभ्यर्थियों को 18,000 रुपये प्रतिमा वेतन मिलेगा। चंद्रयान और सूर्यान के बाद अब अगला मिशन समुद्रयान, 6 किलोमीटर गहराई तक जाएगा हिंदुस्तान। जे चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग और सौर मिशन आदित्य L1 की लॉन्चिंग के बाद भारत का अब अगला मिशन समुद्रयान होगा। वह चेन्नई के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी यानी कि NIOT में इसे बनाया जा रहा है। यह एक पनडुब्बी है जिसका नाम मत्स्य 6000 रखा गया है। इसके जरिए 3 इंसानों को समुद्र के अंतर 6 किलोमीटर की गहराई तक भेजा जाएगा ताकि वहाँ के स्रोतों और जैव विविधताओं की स्टडी की जा सके। वहीं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री किरण रिजिजू ने 11 सितंबर को ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में कैशियर के 62 पदों पर सीधी भर्ती। जे भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर में स्नातकों स्तर चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं अनुसंधान संस्थान चंडीगढ़ के साथ मिलकर ग्रुप बी और ग्रुप सी के 62 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। वह संस्थान द्वारा जारी भर्ती के विज्ञापन के अनुसार सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, मेडिकल सोशल वर्कर, हॉस्टल वार्डन और कैशियर के 62 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। वहीं उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 4 वर्षीय नर्सिंग डिग्री पास होना चाहिए। राज्य भारतीय नर्सिंग परिषद से रजिस्टर होना जरूरी है। वह संबंधित कार्य का 3 वर्ष का अनुभव, मेडिकल सोशल वर्कर पदों के लिए सोशल वर्क में MA या MSW पास होने के साथ साथ कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। वहीं बता दें कि इस भर्ती के लिए आयोजित होने वाली एग्जाम के लिए 6 जगहों पर सेंटर बनाए जाएंगे। इनमें अम्बाला, बठिंडा, बिलासपुर, चंडीगढ़, मोहाली, देहरादून और दिल्ली व NCR शामिल है। इन पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन कंप्यूटर टेस्ट होगा। हिमाचल के कई भागों में 18 सितंबर तक मौसम खराब, मानसून में अब तक 2611 घर ढहे। जो हिमाचल प्रदेश के कई भागों में 18 सितंबर तक मौसम खराब बना रहने की संभावना है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में मानसून फिलहाल कमजोर बना हुआ है। वहीं 13 सितंबर को कुछ भागों में अंधड़ चलने व बिजली चमकने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। चलिए वह चलते हैं आज की आखिरी खबर। HRTC के बेड़े में शामिल होंगी 210 की नई BS6 बसें, खटारा से मिलेगा छुटकारा। जो हिमाचल पथ परिवहन निगम के बेड़े में 210 नई BS6 बसें शामिल होंगी। वही टाटा कंपनी की 173 बसें हिमाचल पहुंच चुकी है, जबकि 37 बसें PDERI यानी कि प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन के लिए नालागढ़ में खड़ी है। वह 47 और 28 सीटर नई बसें मिलने से यात्रियों को HRTC की खटारा हो चुकी कई बसों में सफर करने से छुटकारा मिलेगा। वह BS6 बसों में जहां यात्रियों का सफर आरामदायक होगा, वहीं यह बसें कम ईंधन में ज्यादा माइलेज देगी। वह बसों की कीमत 28 से 30 लाख के बीच है। वहीं HRTC की नई बसें टाटा के गोवा प्लांट में तैयार की गई है। दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर लिखें।